बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि धन्ना सेठों के चौकीदार हैं नरेंद्र मोदी। बहन जी ने कहा कि भाजपा सत्ता से बाहर होने जा रही है। भाजपा ने 2014 में जो वादे गरीबों और मध्यमवर्गीय लोगों से किए थे उन्हें पूरा नहीं कर पाई है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता को पूछना चाहिए कि 2014 में किए गए वादों का क्या हुआ, फिर वह जनता से वोट मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। रक्षा सौदे की चर्चा करते हुए मायावती ने कहा कि भाजपा भी भ्रष्टाचार से अछूती नहीं है। आतंकी हमले हो रहे हैं और सरकार सेना का शौर्य भुना रही है, भाजपा की नींव हिल जाएगी। इसी सभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन की नींव झूठ पर खड़ी भाजपा की नींव हिला कर रख देगी। अखिलेश ने दावा किया कि भाजपा को प्रदेश में गठबंधन की आंधी का अंदाजा नहीं है, परिवर्तन की हवा चल रही है। अखिलेश ने कहा कि वाराणसी में एक फौजी से डर जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद से क्या लड़ पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।